एक ओर जहां निचले क्षेत्रों में जंगल भयंकर आग की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में इन दिनों भी बर्फबारी का दौर जारी है। धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण आगामी 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा तैयारियों में बाधाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। 6 मई से विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा आम भक्तों के लिए शुरू हो जाएगी। इन दिनों जोर शोर से यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन धाम में ही हो रही बर्फबारी के कारण यात्रा तैयारियों को पूरा करने में परेशानियां हो रही हैं। इसके अलावा धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी बर्फबारी के कारण बाधित हो रहे हैं। केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए प्रशासन की टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन बर्फबारी के कारण व्यवस्थाएं समय पर नहीं जुट पा रही हैं। पिछले एक सप्ताह से धाम में लगातार रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से धाम में ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि अप्रैल माह में ही हो रही बर्फबारी जम नहीं पा रही, बर्फ गिरते ही पिघल जा रही है। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास खबर।